हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आरके रुद्र। तो आज हम लोग रेनबो पार्ट टू के प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक है महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एसे है, एक निबंध है, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिविलाइजेशन क्या है और कल्चर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में जानेंगे। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। सिविलाइजेशन और कल्चर ये दो अलग-अलग शब्द हैं और इनके अर्थ भी अलग-अलग होते हैं। सिविलाइजेशन का अर्थ होता है सभ्यता, अर्थात इसका मतलब ये है कि सभ्यता मनुष्य का वह गुण है, ध्यान देना, सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे मनुष्य अपनी बाहरी तरक्की करता है, बाहरी डेवलपमेंट करता है, तब वह सिविलाइजेशन कहलाता है। क्या कहते हैं? सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है, तब वह सिविलाइजेशन कहलाता है। और कल्चर क्या होता है? कल्चर मनुष्य का वह गुण है जिससे मनुष्य अपनी भीतरी की तरक्की करता, अपनी अंदर की तरक्की करता, अपने इंटरनल मोरालिटी को बढ़ाता है, वो होता है कल्चर। जैसे कहता है, अगर मुझ में प्रेम है, अगर किसी मनुष्य मनुष्य है तो उसमें प्रेम है, दया है, करुणा है, और भी जो भावनाएं हैं, इंटरनल जो भावनाएं हैं उनमें, वो कहलाता है कल्चर। लेकिन जो बाहरी दिखावा हम लोग शर्ट पहनते हैं, या फिर जो पैंट्स पहनते हैं, जो टी शर्ट होते हैं, जो कपड़े होते हैं, जो वस्त्र होते हैं, जो कलम इस्तेमाल करते हैं, जो जो क्रीम आप लगाते हैं, है ना, जो ये सब जो बाहरी चीजें आपको दिख रही है ना, वो होता है आपका सिविलाइजेशन। और कल्चर ऐसा है जो कभी देखा नहीं जा सकता। प्यार आप दिखेगा नहीं, लेकिन वो आपको लोग महसूस करते हैं। कल्चर महसूस करने की चीज है, जबकि सिविलाइजेशन क्या है? वो आपको बाहरी चीज, जैसे मान ली घर, तो घर है एक सिविलाइजेशन, लेकिन घर कैसा बनना चाहिए हमारा कल्चर डिसाइड करता है। ध्यान देना, घर जो घर है वो हमारा सिविलाइजेशन की पहचान है, लेकिन घर कैसा बनना चाहिए वो हमारे कल्चर की पहचान है। ओके, नहीं बोलते हमारे यहाँ का कल्चर कुछ और, भाई आपके यहाँ का कल्चर कुछ और है ना। तो कल्चर क्या निर्माण करता है? इंटरनल, अगर मान ली घर कोई बना हुआ है तो वो घर का नक्शा जो बना हुआ, वो कल्चर की निशान है, वो कल्चर दिखा रहा है कि अच्छा आपके घर की पहचान ऐसी है, मतलब आपके यहाँ ऐसा इस तरह से होता है ना। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये कल्चर की पहचान है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। सिविलाइजेशन और कल्चर समझ में आ गए बच्चे, और हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम हुआ, और ध्यान रखना महात्मा गांधी का पूरा नाम कौन हुआ, क्या हुआ? महात्मा गांधी का पूरा नाम हुआ मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए, मैं पूरा जो बोल्ड बोल्ड आपको दिख रहा है ना, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए। कहते महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को ही और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को ही। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को ही और मृत्यु 1948, यानी आजादी के बस 1 साल के बाद। ओके, चलिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात जरा छेड़ना चाहूंगा। 1869 है क्या बच्चे? 1869 है। 1869 में मैं कर दूं 1969, क्या कर दूं? 1969। तो 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, जबकि 1969 में इसके सेकंड चैप्टर जो आप लोगों को पढ़ना है, भारत इजमाई हो, उसके लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का देहांत हुआ 1969 में। तो एक कॉमन पॉइंट है, आप इसको जरा ध्यान में रख लेंगे। ओके, कहते महात्मा गांधी पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन। कहते महात्मा गांधी बापू या राष्ट्रपिता, बापू या राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर हुए, के नाम से जाने जाते हैं, आगे जाने गए। कहते महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कहते महात्मा गांधी एक राजनेता से अधिक, एक राजनेता से कहीं ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। क्या थे? एक राजनेता से अधिक, कहीं ज्यादा वो क्या थे? एक आध्यात्मिक नेता थे। क्या थे? एक आध्यात्मिक नेता थे। चलिए आगे कहते हैं, ही सक्सेसफुली यूज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, जो जो बोल्ड है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कहते हैं
मैं अपनी फोटो ऊपर कर देता हूँ। चलिए, अच्छा फोटो ऊपर नीचे होता है उससे आई कांटेक्ट का मतलब कुछ और निकल जाता है ना, आई कांटेक्ट अलग हो जाता है वो, क्यों कि मैं आपको फोटो को देखता हूँ या फिर है ना, तो वहां से आपका आई कांटेक्ट बदल जाता है। कहते हैं कि महात्मा गांधी सक्सेसफुली यूज द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। कहते हैं कि महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक, महात्मा गांधी क्या किए कि महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश शासन है ना किसके खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ भारत में, कहना ना महात्मा गांधी भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में, ध्यान ना मुख्य चीफ वीपन्स के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया, उपयोग किया। सफलतापूर्वक सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक ट्रूथ यानी सच्चाई और अहिंसा का, सत्य और अहिंसा को मुख्य रूप से प्रयोग किया चीफ वीपन्स के रूप में। आपके प्रश्न आएंगे कि महात्मा गांधी ने सक्सेसफुली यूज्ड किया सत्य और अहिंसा को किस रूप में, तो चीफ वीपन्स मुख्य हथियार के रूप में। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि महात्मा गांधी का चीफ वीपन्स क्या था, तो क्या है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ओके, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का प्रयोग महात्मा गांधी ने मुख्य हथियार के रूप में किसके खिलाफ किया, तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ। ओके, एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और क्या क्या, और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की, और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में क्या किया उन्होंने, मदद की। आगे बढ़ते हैं यहां से, हमारे देखिए महात्मा गांधी की तस्वीरें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब हम सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी की तस्वीर को, हम सभी लोग जानते हैं। ओके, चलिए, कहते हैं फ्रॉम 1915 टू 1948, 1915 से 1948 तक की बात हो रही है, 1915 से 1900 मतलब शुरू से जब से वो इंडियन पॉलिटिक्स में आए, तो 1915 से लेकर के 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। कहते 1915 से लेकर के 1948 तक वह पूरी तरह से, महात्मा गांधी पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर हावी रहे। 1915 से क्वेश्चन आएंगे कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी कब से कब तक हावी रहे, तो 1915 से लेकर 1948 तक, है ना, 1915 से लेकर 1948 तक इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति पर क्या रहे, वो हावी रहे, मतलब उन पर एक तरह से नहीं बोलता है हावी, मतलब उन पर एक तरह अटैक का मतलब समझते हो ना, कि मतलब हावी रहता उस पर बलपूर्वक, है ना, किस तरह से। कहते हैं ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, उनका मृत्यु हो गया, उनका देहांत हो गया 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को एक कट्टरपंथी के हाथों निधन हो गया। महात्मा गांधी का निधन एक कट्टरपंथी के हाथों 30 जनवरी 1948 को हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है, हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। कहते हैं कि महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी मैं आपको कमला दास के चैप्टर में बता रखा हूँ, फिर भी आप यहाँ पे देखिए। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, एक होता है बायोग्राफी, बायोग्राफी मीन्स होता है जैसे, जरा समझिए दोनों के अर्थ। बायोग्राफी जैसे मान ली मेरे बारे में अगर कोई व्यक्ति लिखता है तब वो कहलाता है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, खुद के बारे में, मैं अपने बारे में अगर मैं खुद लिखूं तब कहलाता है ऑटोबायोग्राफी, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, आत्मकथा। क्या होता है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, आत्मकथा। तो कहते महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम था क्या, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग। इसका हिंदी में क्या पढ़ते हैं, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इसका हिंदी वर्जन भी आता है और इंग्लिश वर्जन दोनों है, हिंदी और मेरे पास ये बुक है, सत्य का मेरे साथ प्रयोग, है ना। चलिए, कहते हैं इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। और उन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे हैं, बहुत सारे, और उनकी आत्मकथा तो क्या थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और कई लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा, कौन सी, यंग इंडिया के लिए उन्होंने बहुत सारे लेख लिखा, ताकि युवाओं के लिए लिखा, यंग इंडिया के लिए उन्होंने बहुत सारे लेख आर्टिकल्स लिखे ताकि लोगों में जागरूकता आवे, एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। और कहते हैं कि इन्होंने यंग इंडिया के लिए
यंग इंडिया के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारे आर्टिकल्स इन्होंने, एक मिनट मेरे घर पे थोड़ा सा लाइट का अभाव रहता है ना, सो चलिए अब ठीक है, अब नहीं लेगा, चलिए हाँ ठीक है। तो कहते हैं इन्होंने बहुत सारे लेख इन्होंने लिखा है ना, और जो अलग अलग कहते हैं जो, और कहते हैं एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजंस, कहते हैं और जिन भाषणों को उन्होंने विभिन्न अलग अलग अवसरों पर दिया, और जिन भाषणों को उन्होंने अलग अलग अवसरों पर दिया, अलग अलग मौके पर दिया, रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ जस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। कहते हैं कि और जिन भाषणों को अलग अलग भाषणों, अलग अलग अवसर पर, अलग अलग मौके पर जो उन्होंने भाषण दिया, उन्हें न केवल एक मूल लेखक के रूप में प्रकट करते हैं, उन्होंने जो भाषण दिया उससे ये पता चलता उन्हें न केवल एक मूल लेखक के रूप में वो प्रकट करते हैं, बट आल्सो बल्कि, लेकिन यह भी एक महान गुरु के रूप में, पवित्र पवित्र मुहावरेदार अंग्रेजी के रूप में यहाँ पर प्रयोग होता है। तो कहते हैं जरा देखिए यहाँ पे हम लोग नीचे का लाइन करते हैं, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो निम्नलिखित जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी बात करते कहते हैं निम्नलिखित उद्धरण, निम्नलिखित एक्सट्रैक्ट जो हम लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति अभी पढ़ रहे हैं, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड्स ऑफ फाउंडेशन, द साउंड्स फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी भारतीय सभ्यता की ध्वनि, नींव के बारे में बात करते हैं, नींव के बारे में बात करते हैं, जो फाउंडेशन है इंडिया सिविलाइजेशन की उसके नींव के बारे में बात करते हैं, विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। कहते हैं कि जो समय के साथ, कहते हैं विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय बीतने के साथ, समय के साथ जो बीतते गया, समय बीतने के साथ सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। कहते हैं नेक्स्ट आगे, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट इलिवेट्स द मोरल बीइंग। कहते हैं कि जिसमें, कहते हैं विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, जिसमें भौतिकता का विशेषाधिकार की प्रवृत्ति, इस आगे हम लोग नीचे भी चर्चा करेंगे, मैं इसको भी थोड़ा सा लेकर चल रहा हूँ, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, वह भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती, दैट इलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो नैतिकता को बढ़ाती है। ओके चलिए यहाँ से हम लोग इसके आगे हम लोग महात्मा गांधी की जो इन्होंने लिखा है से इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, यहाँ से हम लोग इंडियन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और जो वर्ड आपको दिक्कत होगी मैंने इसी के नीचे मैंने वोकैबुलरी दे रखा है, हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके ऑब्जेक्टिव कुछ कुछ इससे आते हैं, और जो लाइन बोलूंगा वो लाइन को आप क्लियर करना। अबाउट ऑथर में जो मैंने ऊपर में जो बोल्ड कर रखा है ना, उसको आप लोग खास तौर पे इसको ध्यान देंगे, कोई ये जो ऊपर ऑटोबायोग्राफी यंग इंडिया तक है ना, यहाँ तक तो आप खास तौर पे ध्यान देंगे, नीचे वाला जो है वो तो आपको नीचे पढ़ने को भी यहाँ पे मिलेगी। चलिए अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। यहाँ पे महात्मा गांधी भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति की बात करते हैं, और ये कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं भारत की सभ्यता की, तुलना करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से तुलना करते हैं, और वहाँ के बताते हैं कि भारत की जो अन्य देशों की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो सब नष्ट होती जा रही है, लेकिन भारत की जो सभ्यता और संस्कृति वो आज भी पर्याप्त है, आज भी कॉन्स्टेंट है, आज भी इसमें बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं कितनी वास्तविकता के साथ यहाँ पे महात्मा गांधी ने अपने देश के बारे, अपने भारत के बारे में बोला है। चलिए शुरू करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। कहते हैं आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड। कहते हैं इवॉल्व्ड का मतलब काउज टू डेवलप, डेवलप होने का कारण। कहते हैं कि आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूं कि, या मैं, मेरा मानना है या मैं मानता हूं कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन, मैं उस सभ्यता पर विश्वास करता हूं, मैं मानता हूं, आई बिलीव दैट, मैं मानता हूं
कि भारत ने जिस सभ्यता की विकास किया, जिस सभ्यता को डेवलप किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसे संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता है। इसको मैं फिर से रखता हूं, कहते मेरा विश्वास है कि आई बिलीव दैट, मेरा विश्वास है कि भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया है, भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, ये संसार में, ये दुनिया में कोई भी इसे परास्त नहीं कर सकता, जिस सभ्यता ने भारत को, भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया है। आगे कहते हैं नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, कहते नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, जरा रुक जाए बच्चे, ताकि पढ़ने में आपको भी सुविधा और मुझे भी सुविधा हो। मेरी भी आँख धीरे खरे थोड़ी सी खराब है ना, और ऊपर से स्क्रीन है, ऊपर से लाइटिंग, दिन हो या रात मुझे लाइटिंग का पूरा जरूरत पड़ता है मेरे पास। ओके, कहते हैं क्या कहते हैं, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, कहते हैं कि जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोए थे, जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोए थे, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, नथिंग कैन इक्वल, कुछ बराबरी नहीं किया जा सकता द सीड्स, उन बीजों को जो हमारे पूर्वजों ने बोए थे। कहते हैं रोम चला गया, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, यानी फेट का मतलब होता है डेस्टिनी, द माइट ऑफ द फैरोज, फैरोज का मतलब होता है रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, इजिप्ट के पुराने राजा को, पुराने समय के जो राजा थे, पौराणिक जो राजा थे इजिप्ट में, उसको बोलते थे फैरोज, है ना। वाज ब्रोकन, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। तो चलिए यहां तक समझते हैं राइटर हमारे महात्मा गांधी क्या कहना चाह रहे हैं कि रोम समाप्त हो गया, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस का भी, यानी ग्रीस का मतलब यहाँ पर यूनान कहा जा रहा है, यूनान का भी वही हाल हुआ, जो हाल रोम का हुआ वही हाल यूनान का हुआ। और कहते हैं द माइट ऑफ द फैरोस वाज ब्रोकन, फैरोस यानी प्राचीन मिस्र के राजा को बोलते हैं हम लोग फैरोस, प्राचीन इजिप्ट यानी मिस्र, इजिप्ट को हिंदी में बोलते हैं मिस्र, है ना, के राजा को क्या बोलते हैं फैरोस कहते हैं। फैरोस की शक्ति जो है वो टूट गई, मिस्र के राजा थे, मिस्र के जो प्राचीन मिस्र के जो शासक थे उसकी शक्ति भी क्या हो गई, टूट गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का पाश्चात्यकरण हो गया, यानी जापान जो था वो पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग गया। ऑफ चाइना, चाइना के बारे में क्या कहूं, नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, चाइना का माल क्या होता है, ऐसे भी टिकाऊ नहीं होता, तो उसकी उसकी कल्चर, उसका सिविलाइजेशन कितना टिकाऊ हो सकता है, उसके बारे में महात्मा गांधी कुछ नहीं बोले, बोले चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो क्या है ना। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया अभी भी सम हाउ और अदर, कहते हैं लेकिन भारत के बारे में कह सकते हैं, कहते हैं लेकिन भारत किसी न किसी ढंग से, है ना, लेकिन भारत किसी न किसी ढंग से साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत किसी ना किसी ढंग से अपने नींव पर खड़ा है, भारत किसी भी तरह से चाहे उस पर कितनी भी आपत्ति हो, लेकिन सब जापान हमारे पड़ोसी है ना, जापान है नजदीकी, जो एशिया, एशिया में आते हैं, जो एशिया में पढ़ते हैं, जैसे जापान हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना, बांग्लादेश, उस वक्त तो बांग्लादेश और चीन बना आती, सॉरी बांग्लादेश और पाकिस्तान तो था नहीं महात्मा गांधी के जमाने में, है ना, सिर्फ इंडिया था, चीन था, जापान था, नेपाल था। तो महात्मा गांधी चर्चा कर रहे हैं, कहते चाइना के बारे में कुछ कह नहीं सकते, और जापान जो पाश्चात्यकरण उसका हो गया, लेकिन इंडिया किसी न किसी तरह से अपने नींव पर आज भी खड़ा है, वो उस समय की बात थी। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न दियर लेसंस फ्रॉम राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस, कहते हैं यूरोप के लोग अपने पाठ, ध्यान रखना, कहते हैं यूरोप के लोग अपने पाठ यूनान, ध्यान रखना, यूरोप के जो लोग हैं वो अपने पाठ यूनान, रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन द फॉर्मर ऑफ अर्लियर ग्लोरी, कहते हैं यूनान, यूरोप के जो लोग हैं वो अपने पाठ यूनान या रोम के लेखों से सीखते हैं, जो यूनान या जो रोम है, ग्रीस या रोम जो है, जिसको हम लोग ग्रीस को बोलते हैं यूनान, और रोम को तो रोम ही बोलते हैं, तो ग्रीस यानी यूनान या रोम के लेख से, जो लेख जो पहले पत्थरों पे लिखा करते थे और फिर किताबों के माध्यम से, जैसे हमारे यहाँ इंडिया की मैं बात करूं,
तो आप महाभारत हो गए, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता हो गए, रामायण हो गए, है ना, इनसे पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हम लोगों की आज से पहले की परंपरा किस तरह की थी, तो उसे पता चलती है। तो जो यूरोप के जो लोग थे वो सीख रहे थे, उनके पाठ सीख रहे थे किनसे, तो यूनान और रोम के माध्यम से, ग्रीस और रोम के लोगों के लेख जो उन्होंने लिखे थे उनके लेख से वो सीखते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन द फॉर्मर अर्लियर टाइम्स। कहते हैं फॉर्मर का मतलब होता है अर्लियर टाइम्स, मतलब पुराने, मतलब पहले, फॉरनिश होता है पूर्व, है ना, फॉरनिश क्या होता है, पूर्व होता है। कहते हैं जिनका भूतपूर्व गौरव विद्यमान नहीं है। देखे बचाइए, वो किनसे सीख रहे हैं, यूरोप के जो लोग वो किनसे सीख रहे हैं जिनका खुद अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उनसे वो सीख रहे हैं। जैसे मान ली मेरा कुछ, जब मुझे कोई बात समझ में नहीं आएगी और आपको मैं समझा रहा हूं तो आपको कितना समझ में आएगा आप सोच सकते हैं, अरे बस मैंने, तो उसी तरह से ये जो यूरोप के लोग थे वो उनसे सीख रहे हैं और क्या कहते हैं कि मैं वो गलती नहीं करूंगा जो गलती रोम और यूनान ने किया था, है ना। चलिए आगे देखिए, थोड़ी सा आप लोग मिसअंडरस्टैंड आपको हो रहा होगा, ये जो ब्रैकेट मैंने दे रखा ना, मुझे पहले लग रहा था कि मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग आपको वहीं पे बताता जाऊं, लेकिन उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है पढ़ाने में, इसलिए मैंने आगे इसके बारे में विचार नहीं किया, मेहनत हो गई थी इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन मैं नेक्स्ट हटा दूंगा। चलिए आगे कहते हैं, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, कहते हैं इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन That they will avoid the mistakes of Greece and Rome। कहते हैं मैंने अभी क्या आपको बात समझाया, वही बात समझाया ना, वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। कहते हैं कि in trying to learn from them, the Europeans imagine that उनसे सीखने के प्रयास में यूरोप के लोग ये समझते हैं कि उनसे सीखने के प्रयास में यूरोप के लोग ये समझते हैं कि they will avoid the mistakes of Greece and Rome। कि वे लोग यानी जो यूरोप के लोग हैं यूनान और रोम की गलतियों को नहीं दोहराएंगे, वो लोग ये सोच रहे हैं, है ना, उन लोग ये सोच रहे हैं कि जो हम लोग यूनान और रोम के जो सभ्यता को सीख रहे हैं, कल्चर को सीख रहे हैं, तो जो गलती यूनान ने किया, जो गलती रोम ने किया, वो गलती हम नहीं दोहराएंगे। और आए कहते हैं सच इज दियर पिटिबल कंडीशन, कितनी कहते हैं ऐसी उनकी दयनीय अवस्था, ऐसी उनकी दयनीय दशा बन चुकी है। आज भी रोम जाओगे ना, यूनान जाओगे, तो आज भी उनकी वही हालत है जो आज से बहुत साल पहले उनकी प्रवृत्ति हुआ करती थी, है ना। मैं ज्यादा इस पे बारे चर्चा नहीं करूंगा, कुछ कुछ बातें हैं जो वो लोग बहुत खुले विचार से, मतलब समझ रहे हो ना, खुले विचार, बहुत अधिक खुले विचार के, आज भी लोग वहां उसी तरह के लोग जी रहे हैं, है ना, इसलिए आज भी लोग उसके बारे में उतना विचार। अब ग्रीस का नाम आप सुनते हो, ग्रीस या रोम का आप नाम सुनते हो, रोम तो अब इटली में मिल गया, आगे आपको चर्चा करेंगे। चलिए मैं आगे इसको बढ़ाता हूं, अगर किन को भाई बहन जो भी हैं इनको अगर वोकैबुलरी सुनना देखना हो तो देख लीजिए। इवॉल्व का मतलब क्या होता है बच्चे, तो इवॉल्व का मतलब देख लीजिए, कॉज टू डेवलप ऊपर में देखा था, फेट मीन्स क्या होता है, डेस्टिनी यानी किस्मत, आप स्वीटेस्ट में डेस्टिनी शब्द पढ़ सकते हैं। फेरोज क्या होता है, प्राचीन मिस्र के शासक। फाउंडेशन मीन्स क्या होता है, बेस यानी न्यू। फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है, पहले समय की यानी पूर्व भी कह सकते हो। पिटिएबल मीन्स क्या होता है, मेजरेबल यानी दयनीय। ओके चलिए आगे होगी, ये तो वोकैबुलरी आपकी हो गई, आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहता है इन द मिडस्ट ऑफ ऑल, क्या कहता है, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। ये जो लाइन है आपके एग्जाम में और प्रश्न पूछे, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर दो नंबर के प्रश्न में। ओके चलिए, कहते हैं इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स, क्या कहता है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अडिग है। इन सब के बीच भारत क्या है, अडिग है। जापान समाप्त हो गया, चाइना के बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो वो क्या परंपरा है, क्या उसकी लक्षण, उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, और आज भी 2020 में भी उसका वही हाल है। That is her glory, ये उसकी क्या है, ये उसका गौरव है, ये किसका, भारत का गौरव है। That is her glory, भारत का गौरव है। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid। कहते हैं कि भारत के लोगों के विरुद्ध एक आरोप है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ एक चार्ज है, एक आरोप है। क्या कि हर पीपल, भारत के लोग आर सो अनसिविलाइज्ड,
भारत क्या हम लोगों के खिलाफ एक आरोप लगाया जाता है, और क्या आरोप लगाया गया कि वे लोग क्या है, असभ्य हैं। हम लोगों के बारे में बोलते हैं यूरोप के लोग कि इंडियन पीपल्स जो है, इंडिया के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं, एंड स्टॉरिड हैं, हट्ठी हैं। हट्ठी समझते हो ना, मतलब ये मतलब जो पकड़ लिए लोग जो कर रहा है वही करते रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता ना। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। क्या कह रहा है कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना असंभव है ना। विदेशी लोग कह रहे हैं या यूरोप के लोग ये कहते हैं कि भारतीयों को किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए इंस्पायर करना, प्रेरित करना बहुत ही क्या है, करना असंभव है। वो असंभव है, उसको प्रेरित नहीं कर पाओगे कि भाई ये चीज ऑब्जर्व कर लो। लेकिन इंडियन जो पीपल है वो अपने ही कल्चर पे, अपने ही सिविलाइजेशन पे जीते रहेंगे। ओके, कहते इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। महात्मा गांधी क्या कहते हैं, वास्तव में यह परिवर्तन हमारे गुणों, हमारे मूल्यों के विपरीत है। कहते रियली, वास्तव में अगर मैं बोलूं तो सही बात है, हम लोग कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, है ना। क्यों हमारे, कहते हैं वास्तव में यह परिवर्तन हमारे गुण क्यों नहीं चाहते भाई, क्योंकि ये जो परिवर्तन वो करना चाहते हैं वो परिवर्तन हमारे गुणों के, हमारे मूल्यों के खिलाफ है। अच्छा, वो लोग अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करते हैं, क्या आप लोग करते हैं? ऑफ कोर्स, हाँ हम लोग करते हैं। आज भी मैं करता हूँ, सुबह उठकर अपने मम्मी पापा जो भी मेरे माता पिता का मैं हमेशा चरण स्पर्श करता हूँ। मैं आप सबको बोलता हूँ, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, और उनसे बढ़कर कोई न तो भगवान है और न कोई देवी देवता। उनको पूजने के बजाय अपने माता पिता को पूजिए। कभी जिंदगी में आपको अगर असफलता मिल गई तो आप मेरा नाम बदल देना। अपने माता, देखिए क्या बोलते हैं, पहले गुरु कौन होते हैं? आपके माता पिता होते हैं, उसके बाद ही हम और आप या फिर कोई अन्य शिक्षक आपके लाइफ में आते हैं। या भगवान को भी आप तब जान पाते हो जो आपकी माँ बोलते हैं कि बेटा देखो ये भगवान है, बेटा देखो वो भगवान है, बेटा देखो ये टीचर है ना। तो पहले जो शिक्षा मिलती है वो माता पिता से मिलती है। मैं आप लोगों से हर बार कहता हूँ, उनको छोड़कर कहीं नहीं जाए, वही आपके कर्ता धर्ता है। ओके, चलिए। तो कहते हैं हमारे गुणों के खिलाफ, ऑफ कोर्स हमारे गुणों के खिलाफ वो सारे चार्जेज। कहते हैं व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू एंड सॉरी ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। कहते हैं क्या कहते हैं कि व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो हमने अनुभव के आधार पे परखा है, व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमने अनुभव के आधार पे परखा है और सही पाया है ना, परखा भी और सही भी पाया, क्या कि वी डेयर नॉट चेंज। हम लोग इसे, कहते हैं इसे बदलने का हम साहस नहीं करेंगे, है ना। हम लोगों को इसे बदलने का हिम्मत नहीं, बदलने का साहस नहीं है। मेनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, कहते हैं कि मेनी थ्रस्ट एडवाइस अपॉन इंडिया, अनेक लोग अपनी राय, अपनी सलाह भारत पर थोपते हैं। बहुत सारे विदेशी लोग हैं जो भारत पर अपनी राय थोपते हैं, एंड सी रिमेन्स स्टडी, और कहते हैं और वह अस्थिर रहता है। और क्या रहता है, भारत की बात करें कि और क्या रहता है, वो अस्थिर रहता है। दिस इज हर ब्यूटी, यही उसकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, कहते हैं ये उसकी सुंदरता है। किसकी, ये उसकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यह हमारी आशा का अवलंबन है। यह हमारी क्या है, आशा का अवलंबन है। तो बच्चे यहां पर ये हम लोगों ने एक बात सीखी कि बहुत सारे लोग हैं जो आप जिस चीज को ऑब्जर्व करोगे उस चीज के खिलाफ रहेंगे वो लोग, लेकिन आपकी गुण क्या, आपकी मूल्य क्या, आप किस चीज को फॉलो कर रहे हो आप, तो आप उस चीज के पीछे रहिए, अपने मूल्य के पीछे रहिए, अपने अपने मूल्य पे अड़िग रहिए, है ना। वही हमारी क्या असली पहचान है। आप देखते हो अगर सिविल, अगर यूरोप की मैं बात करूं तो यूरोपीय जो लोग हैं वो लोग मूल्य पे अड़े हुए हैं। तो क्या हमें अपने मूल्यों पे नहीं, तो अगर हम लोग में अपने आप में अगर जागरूक नहीं है तो दूसरे लोग कब तक आपको जागरूक करते रहेंगे। अरे बस मैंने, जैसे आज हम लोग कहीं बिहार से आप बाहर जाओ, ओके देखिए मैं एक एक्चुअल बात करता हूँ। अगर आप बिहार से बाहर जाइए, जब बिहार से बाहर आप जाओगे तो वहां वो लोग हिंदी, अगर आप भोजपुरी बोलोगे तो बोलोगे आपको खुद खराब लगता है बोलने में। तो जो बाहर के लोग आपको कब तक ऑब्जर्व करेंगे, जो आपको बुरा लग रहा है तो बाहर के लोग को अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं। आप जो जिस भाषा को बोलते हैं उस पर गर्व महसूस करें। इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं बन सकती, इज अ सेकेंड लैंग्वेज, वी यूज इट। सो
आपको शर्म हाया करने की जरूरत नहीं कि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। नहीं आती तो अच्छी बात ना है कि हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर, अपनी राजभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो हम लोग इस्तेमाल करते हिंदी है या फिर जो भी आप लोग का क्षेत्रीय भाषा है। ओके, तो इस्तेमाल करिए बेझिझक। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोलने बड़े ही गर्व की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, इंग्लिश पढ़ना हमारे लिए कंपल्सरी ताकि मैं अगले की बात समझ सकूं, अरे ना, ताकि हम लोग अगले व्यक्ति की बात को समझ सके। मैं तो चाइना, मैं आप कोई भाषा सीखते हो उसमें गर्व की बात है कि भाई मैं अगले की जानता हूं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने भाषा पे शर्म करें। ओके, चलिए, कहते हैं सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको याद रखेंगे। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता क्या है? आचरण का ढंग है। सभ्यता क्या है? आचरण का ढंग है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये लाइन आप यहां से यहां तक याद कर लीजिए, ये जो लाइन है बच्चे, ये लाइन को आप पूरी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, फटाफट जरा कमेंट करिए, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता आचरण का ढंग है जो मनुष्य को कर्तव्य के मार्ग पर चलाता है, जो मनुष्य को कर्तव्य के मार्ग पर चलाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कहते हैं परफॉर्मेंस, कर्तव्य का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का प्रदर्शन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता का पालन, है ना, कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय शब्द है, कन्वर्टिबल है, क्या है? परिवर्तनीय शब्द है। तो कैसे? कहते हैं टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। कहते हैं कि नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर महारत हासिल करना है। नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर क्या करना है? महारत हासिल करना है। कहते हैं सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, कहते हैं सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, इसलिए हम खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। कहते हैं कि गुजराती में सभ्यता का अर्थ होता है अच्छा आचरण, सबका सब भाषा का अपना अपना है। कहते हैं गुजराती में सभ्यता का अर्थ होता है अच्छा आचरण। गुजराती भाषा में क्या बोलते हैं? सभ्यता का मतलब क्या निकलता है? अच्छा आचरण निकलता है। ओके, चलिए, इसमें टोटल आपको पैराग्राफ जो पढ़ने बचे वो 24 पैरा पढ़ने हैं, और हम लोग, मैं चाहूंगा कि दो कम से कम मैं 2 दिन में इसको समाप्त कर दूं। ओके, चलिए, तो 24 पैरा है, मैं इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करने का भी प्रयास करूंगा। अभी हम लोग 3 पैरा समाप्त कर चुके हैं, अभी हम लोग को 21 पैरा बाकी है। सो ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, बहुत ही ईजी है। चलिए, कहते हैं इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये परिभाषा सही है, क्या कहते हैं? इफ दिस डेफिनेशन इज बी करेक्ट, अगर ये परिभाषा सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। कहते हैं अगर ये परिभाषा सही है, देन इंडिया तो भारत को एज सो मेनी राइटर्स हैव सोन, जैसा कि कई लेखकों ने स्पष्ट किया है, जैसा कई लेखकों ने दिखाया है, स्पष्ट किया है, क्या हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, कि किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये परिभाषा सही है कि गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का अर्थ है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, तो अगर ये परिभाषा सही है तो भारत को, जैसा कि कई लेखकों ने स्पष्ट किया है भारत को, कि किसी से कुछ सीखने की आपको आवश्यकता नहीं है, एंड दिस इज एज इट शुड बी, और ऐसा ही होना चाहिए, दिस इज एज इट शुड बी, और ऐसा ही होना चाहिए। आगे कहते हैं नेक्स्ट, वी नोटिस दैट, कहते हैं हम देखते हैं कि, नोटिस मीन्स क्या होता है? देखना। कहते हैं वी नोटिस दैट, हम देखते हैं कि द माइंड इज अ रेस्टलेस, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरा ध्यान देना। कहते हैं हम लोग देखते हैं कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक अधीर पक्षी है, यानी उसमें धीर नहीं, रेस्टलेस है, जहां कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां है। मन अगर समोसा खाया हो तो लालमोहन खाने का ललचेगा, लालमोहन खाओगे तो रसगुल्ला खाने को ललचेगा, रसगुल्ला खाओगे तो मिष्टी,
दो ही खाने का मन करेगा, कुछ और भी चीज खाने की मन करेगी, तो क्या रेस्टलेस बर्ड है मन हमारा, है ना, जो क्या दिखाता है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, क्या कहता है, द मोर इट गेट्स द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, जितना अधिक उस मन को मिलता है उतने ही अधिक वह मन में और इच्छा करता है। मन क्या है, मन माइंड है, एक रेस्टलेस बर्ड है, उस मन को जितना अधिक मिलता है उतने ही अधिक वो मन में और इच्छा करता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तब भी मन क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है, उतना करने के बावजूद भी मन क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है, नहीं फिर भी लगता है नहीं कुछ और, अरे वो चीज छूट गया ना, पैटी छूट गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर वो भी मिल जाता तो मजा आता है ना, होता है ना, अरे यार पैटीज में ये नहीं था तो वो नहीं था, हजारों ऑप्शन है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकेम, कहते हैं कि वी इंडल्ज इन आवर पैशन, हम काम वासनाओं में लिप्त होते हैं, क्या कहते हैं, हम काम वासनाओं में लिप्त होते हैं, द मोर उतना ही अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही वे काबू हो, जब बेकाबू होता है, जितना ही हम काम वासनाओं में लिप्त होते हैं उतना ही हमारा मन क्या होता है, बेकाबू हो जाता है। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, आवर एंसेस्टर्स देयर फोर सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंसी, कहते इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी आसक्ति की सीमा बांधी है, इंटेलिजेंसी की जो हमारी जो सीमा थी हमारे पूर्वजों ने पहले से बांध रखी है। कहते हैं दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, कहते हैं उन्होंने देखा कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, खुशी मानसिक स्थिति है। हमारे पूर्वजों ने क्या देखा कि जो हैप्पीनेस होता है वो कहाँ किसकी देने, मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति हम लोगों को खुशी प्रदान करता है। आप मन में जैसा विचार करेंगे, मैं आपको क्या बोलता हूँ, मन को हमेशा मन में सद्भावना रखें, दूसरों को खुश रखें तो आप भी खुश रखेंगे, अगर आप मन में अच्छे विचार लाएंगे तो आपके प्रति भी लोग अच्छे ही सोचेंगे। चलिए एनी प्रॉब्लम, अरे भाई चेयर पे बैठा बैठा अकड़ जाता है पूरा पीठ, समझते हो ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, पैरा नंबर 6 की ओर, 24 पैरा है, हम लोग देखते हैं आज कहाँ तक चल पाते हैं, क्योंकि यार 24 पैरों में एक साथ पढ़ाऊंगा तो 24, अगर पर पारा 1 मिनट लूंगे तो 24 मिनट तो यूं ही हो जाएंगे, है ना, 2 मिनट तो 24 दूनी 48, यानी 1 घंटा तो ऐसे हो जाते हैं अगर 2 मिनट भी लेते हैं तब, कम से कम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अ मैन इज नॉट नेसेसरली, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, कहते हैं कि जरा ध्यान देंगे, पैरा नंबर 6 में कहता है अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, यह आवश्यक नहीं, यह जरूरी नहीं है कि कोई आदमी इसलिए खुश है, यह जरूरी नहीं है कि कोई आदमी इसलिए खुश है बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह अमीर है, और इसलिए ना खुश या इसलिए उदास है, अनहैप्पी है बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वह गरीब है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आदमी किस लिए खुश है ना, वो अमीर है तो खुश है और गरीब है तो ना खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हैं द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, देखा गया है कि क्या कहते हैं, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, कहते अमीर प्रायः दुखी देखे जाते हैं, देखा जाता है कि जितने अमीर लोग होते हैं प्रायः दुखी ही होते हैं, लेकिन कहते हैं द पुअर टू बी हैप्पी, लेकिन गरीब लोगों को खुश देखा जाता है, गरीब लोग जो होते हैं वो उन्हें खुशी प्रदान होता है उन्हें, मतलब जैसे कहते हैं कि ना कि लोग देखते हैं कि जितने अमीर हैं उतने ही ना खुश है, लेकिन जितने गरीब उतने ही वो खुश है, अपनी बस जितना उनके पता है कि भाई मेरा छोटी दुनिया में छोटे इतने में खुश रहूंगा, क्यों बड़ा का लालच करूं, है ना। चलिए कहते हैं मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, कहते हैं लाखों लोग, है ना, कहते हैं क्या बोलते हैं कि लाखों लोग हमेशा गरीब रहते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया आपको अमीर हो जाएगा, कभी नहीं भाई, अगर पूरा दुनिया अमीर होना तो सबके पास इक्वल पैसा इक्वल संसाधन रहेंगे तभी पूरी दुनिया अमीर होगी, लेकिन क्या ऐसा संभव है, नहीं, भगवान तो ऊपर से सबको बांटने नहीं आएंगे ना कि चलो सबको अपना धन दौलत बराबर बांट दो, है ना, तो शायद यहाँ के लोग ऐसे हैं लालची, भगवान को भी मारने का प्रयास करेंगे, है ना, वे भी चलो इट्स चिल, वे भी चिल।
मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग जो है वो क्या है गरीब रहते हैं. ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर्स. ये लाइन आप याद कर लो, है ना, क्या बोलते हैं, आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स. कहते हैं कि हमारे पूर्वज ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यह सब कुछ देखते हुए, यही सब चीज देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलास से दूर रहने का आदेश दिया, है ना. आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस, हम लोगों को आदेश दिया फ्रॉम, हम लोगों को दूर रहने का आदेश दिया किसी से लग्जरीज एंड प्लेजर से, यानी हमारे पूर्वजों ने भोग विलास से दूर रहने का हम लोगों को आदेश दिया. और कहते हैं कि इस वजह से क्यों, ऊपर में जो आपने मैंने बताया था ना कि अमीर लोग है ना खुश हैं, गरीब लोग खुश हैं ना खुश हैं, है ना, उसकी वजह से कहते हैं वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. कहते हैं वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. हमने उस प्रकार के हल से काम चलाया जो हजारों वर्षों से प्रचलित था. हम हल भी चलाते थे तो दो बैल और हल वाला सिस्टम से, है ना. आजकल ट्रैक्टर आ गया है, बहुत फास्ट है आजकल तो. बैल आपको गांव में देखने को नहीं मिलते, चल भाई ट्रैक्टर ही चला दो, है ना. मैंने तो अब नहीं देखता हूँ, अब सब लोग ट्रैक्टर, मैक्सिमम लोग अब ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं ना. चलिए, तो हजारों वर्षों से जो प्रचलित था हल चलाने की जो प्रक्रिया, वही हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं ना. आगे कहते हैं वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजिनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर. यहाँ पर कुछ छूट गया है, सेम काइंड ऑफ दैट है लेकिन नहीं, यहाँ पर सेम काइंड ऑफ, यहाँ पर बच्चे एक वर्ड छूट गया है, सॉरी, सेम काइंड ऑफ कॉटेज यहाँ पर होगा, ऑफ के बाद कॉटेजेस छूट गया है, है ना, एक कॉटेजेस, इसके बाद एक वर्ड है जो कॉटेज होता है जिसका, है ना, बाय मिस्टेक छूट गया, वही मैं बोलूँ इसका भाव नहीं निकल पा रहा है ना. ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना. कहते हैं वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, है ना, ये है. वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस, उसी प्रकार के कुटियों को बनाए रखा है, जो घर भी है ना हम लोग उसी प्रकार से बनाए रखे हैं. वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजिनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर. कहते हैं हम लोग घर भी उसी प्रकार से बनाए रखे हैं दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम, जो पुराने समय में थी हम लोग घर बनाने की प्रचलन, वही से ही हम लोग घर बनाए रखे हैं. एंड आवर इंडिजिनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारी देसी शिक्षा पहले जैसी ही है, और शिक्षा व्यवस्था भी हम लोगों की कैसी है, पहले जैसे ही हम लोगों की शिक्षा व्यवस्था आज भी है. We have had no system of life coding competition. कहते हैं हमारी कोई जीवन, हमारे जो जीवन है कोई भी प्रतियोगिता वाली प्रणाली नहीं थी. Each followed his own occupation or trade. कहते हैं each followed on his own occupation or trade and changed a regular week. कहते हैं कि हमारे जो प्रतियोगिता वाली कोई हम लोगों की प्रणाली नहीं थी, बस हम लोग क्या करते थे, हम सभी लोग क्या, प्रत्येक सभी अपना अपना काम धंधा करते थे. ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, सबका अपना अपना काम धंधा था, सभी लोग अपने अपने काम धंधा क्या करते थे कि कोई खेती कर रहे हैं तो कोई दुकान खोल रहे हैं, कोई कुछ, सबका अपना अपना काम धंधा था. कोई ऐसा कंपटीशन नहीं कि नहीं मुझे कंपटीशन, जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपटीशन आज की तैयारी करते हैं, भाई मुझे एसएससी निकालना है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एफकैट, है ना, सीडीएस, इस तरह की प्रिपरेशन के लिए आज प्रतियोगिता है. मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब ये महात्मा गांधी लिखे थे उस समय, है ना. तो कहते हैं हमारे पास अपना खुद का काम धंधा है और ट्रेड एंड चेंज एंड चार्ज आर रेगुलर वेज. कहते हैं कि और क्या था,
और नियमित वेतन पाते थे। हर लोग अपना काम धंधा अपना अपना काम धंधा करते थे और नियमित रोज हर प्रकार से वेतन पाते थे। कहते हैं इट वॉज नॉट दैट, इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट इफ वी सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। ये लाइन जो मैंने पढ़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जहाँ आप लोग थोड़ा सा अच्छे जरा ध्यान से समझिएगा। कहते हैं इट वॉज नॉट दैट, यह बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी। मैं आगे से अपना फोटो ही हटा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इट वॉज नॉट दैट, ऐसी बात नहीं थी। वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, हमें मशीनों का आविष्कार करना नहीं आता था। ऐसी बात नहीं थी कि हमें मशीनों का आविष्कार करना नहीं आता था। बट आवर फोर फादर्स, लेकिन हमारे पूर्वज जो, बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, यदि हमने अपना मन इस ओर लगा लिया, यदि हमने अपना मन इस ओर इस मशीनरी के चीजों पे लगा लिया, दैट वी वुड बिकम सेलेब्स। ध्यान देना ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं लगभग, है ना। वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर, तो हम लोग गुलाम बन जाएंगे। वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम लोग गुलाम बन जाएंगे एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और अपनी नैतिकता, जो प्राकृतिक नैतिकता है, वो हम लोग गवा देंगे। हम लोग नैतिक प्रकृति को क्या करेंगे, गवा देंगे, उसको हम लोग खो देंगे। कब, जब हम लोग मशीनरी पे अगर ध्यान देना शुरू कर दिए। ऐसी बात नहीं कि हम लोगों को मशीनरी बनाना नहीं आता था, हम लोग को इन्वेंट करना नहीं आता। अच्छा, चाइना वाले क्या समझते हैं, कभी टिकटॉक निकालते हैं, कभी शेयर इस तरह के फलाने का चीजें निकालते थे, तो उनका आगे बढ़ने का कारण ये था कि हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते। छोड़ो ना, जो है सो चलो इस्तेमाल करो, क्या है। मैं एक बात आपको सिखा देता हूँ जिंदगी में, याद रखना, कभी भी दूसरे पे आश्रित नहीं रहना चाहिए किसी भी काम के लिए। अगर आपको खाना पकाना, अगर आप खुद बनाने के लिए सीखे रहेंगे, तो कोई भी नहीं भी रहेगा घर पे, आप खुद बनाकर खा लेंगे। अगर भारत ये सारी चीजें खुद कर लेता पहले, अच्छा भारत की भी गलती नहीं है, इंजीनियर यहाँ के इंजीनियर्स की भी गलती नहीं, गलती किसके, पब्लिक की। पब्लिक क्या पसंद करता है, भाई मुझे अच्छा सामान चाहिए, तो अच्छा के लिए उसे क्या चाहिए, वो चाइना का सामान यूज करते हैं हम लोग, ये करते हैं ना। मैं जो फोन रखे हूँ रेडमी का, रेडमी चाइना का है। अब मैं सोचता हूँ कि इंडियन फोन लूँ, तो इंडियन फोन कौन है मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है। अगर गवर्नमेंट पूरी तरह से चाइना में डिलीवरी जो होता है वो बंद कर दे, तो इंडिया की जो कंपनी वो फिर अपने जो इंडिया की जो कंपनी वो अपने आप को डेवलप कर लेंगे अच्छे से। क्यों भाई, क्यों भाई, जो कंपटीटर तो तीन को ना, कंपटीटर तो साफ हो गए, तो यहाँ पर कंपटीशन की संख्या कम हो जाएगी। तो संख्या कम होगी तो वहां पे आप अच्छे तरह से डिमांड कर सकते हो। तो देखें यहाँ के लोग क्या है, बस थोड़े से देखें, अरे चलो चलो आप, ये तो लूटने का समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दे देयर फोर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फिट। कहते हैं दे देयर फोर, इसलिए वे सोच विचार करके, ध्यान देना, कहते हैं इसलिए वे सोच विचार करके ये डिसाइडेड दैट, ये निश्चित किया कि, इसलिए वो जानबूझ करके सोच विचार करके ये निश्चित किए कि वी शुड ओनली डू, हम लोगों को सिर्फ वही करना चाहिए, व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फिट, हम वही कार्य, हम लोगों को सिर्फ वही काम करना चाहिए जो हम अपने हाथ और पांव से कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने क्या बोला, जानबूझ करके जो मशीनरी बनाने की जो चीजें थी उसको अवॉइड किया, उसको हटाया, जानबूझ करके उसको हटाया। हम लोगों को भी मशीन बनाने आती है, लेकिन हमारे पूर्वज को वो छोड़ो, ये सब की चीजें है ना, ये सब हम लोग को वही काम करना चाहिए जो हमारे हाथ और पैर से कर सकते हैं। आज भी पुराने जमाने का ख्याल, अगर आपके मम्मी पापा हैं तो फिर डेफिनेटली ऐसा ही विचार करेंगे, बोले नहीं नहीं है ना छोड़ो। दे सा दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड वेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आर हैंड्स एंड फिट। कहते हैं हमारी वास्तविक खुशी किस चीज में मिलती है, तो कहते हैं हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य हाथ पांव के, हाथ पैर के उचित उपयोग में ही शामिल है, उचित उपयोग में ही निहित है, यानी शामिल है।
अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करें। अच्छा लोग क्या करते हैं, पहले है दवा के खाते पीते हैं ना, लंग फन बहुत सारा चीज करते हैं, बाद में फैटी हो जाते हैं और फिर बाद में जिम में जा करके पसीना बहाते हैं। कभी आप गांव के लोग को देखो जिम जाते हुए, नहीं जाते। वो क्या करते हैं, गांव के लोग हल चला करके, कूटी काट करके, है ना, बोझा ढो ढो करके, कुदार चला करके, इस तरह से काम कर करके अपने उनके सारे डोले सोले बॉडी जो है ना वो बन जाते हैं और उनमें ताकत भरपूर मात्रा में रहती है ना। जो जिम के लोग होते हैं भले उनकी बॉडी आपको इतना इतना लगे मोटा मोटा, लेकिन एक देहाती प्योर देहाती जो काम किए हैं ना खेत में, उनके सामने ले जाओ उनको, उठा उठा के नहीं पकड़ पटकेगा ना जिम वाले को, तो समझना है ना। तो देहाती जो लोग होते हैं जो काम करके अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं। अच्छा आजकल आजकल कोरोना फैला हुआ है ना, तो कोरोना उन्हीं लोगों को पकड़ रहा है जिनका इंटरनल पावर खराब है ना। जिम वाले जो लोग हैं उनको तो नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि वही पसीना बहा रहे हैं, लेकिन जो जिनका पसीना नहीं बहा रहा, जो अंदर से कमजोर है और बाहर से मजबूत लगते हैं, उनको सबसे पहले कोरोना अटैक कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग पैरा नंबर 7 की ओर। कहते हैं कि दे फर्दर रीजन्ड दैट लार्ज सिटीज आर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस। ऐसा करते हैं पैरा नंबर 6 तक ही रखते हैं, क्या बोलते हो? हम लोग पैरा नंबर 6 तक रखते हैं, उसके बाद पैरा नंबर 7 से अलग ले आता है, फिर 7 और 8 मुझे फिर एक साथ पढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग पैरा नंबर 6 तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग 7 को शुरू करते हैं कल से। ओके चलिए पैरा नंबर 6 तक ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए ये आपका पैरा नंबर 6 है तो ओके धन्यवाद। सुख रहिए, सुखी से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। और भाई और अपने दोस्तों को भी चैनल पे लाते रहिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। और मैं क्या बोलूँ, बस हमेशा खुश रहिए और मन में हमेशा सद्भावना रखिए और अपने खुद का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का भी ख्याल रखिए।